Hello, dear learners. Basically, this is the day 30 of our English speaking course. And on day 30, we will do the revision from day 21 to day 29. So, let's revise what we have learned in these 9 days. In 21 days, we have learned about the uses of pronouns, preposition, correlative sentences. Well, use of on, it, into, besides, beside, हम लोग ये सब लोग डे 22 में पढ़ा था. So you can see here all the things, and जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स का देखे थे वो यह था कि ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रोदर, वो अपने भाई के बगल में खड़ा हो. ठीक है, तो बिसाइड का मतलब हुआ बगल में या साइड में खड़ा हुआ. ठीक है, और बिसाइड्स जब इस आ जाते हैं लास्ट में, उसका मतलब होता है अलावा. अगर किसी काम को आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं तो वहां यूज होता है बिसाइड्स. जैसे कि मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी. ओके, दैट्स हम लोग ने बोट्स आर अंडर द ब्रिज, नावें पुल के नीचे हैं. और डे 23 में हम लोग कोरिलेटिव जो शब्द हैं उसको हम लोग जाने, जैसे कि नो सुनर के साथ हमेशा दैन का यूज होता है, स्कार्सली के साथ वैन का यूज होता है. ठीक है, आइदर के साथ और नेदर के साथ नो. जैसे कि आइदर यू और योर ब्रोदर इज गिल्टी, तुम या तुम्हारा भाई दोषी है. नेदर के साथ नोर यूज करते हैं, नेदर समीर नोर इज ब्रोदर प्ले प्लेज इन दिस पार्क. ठीक है, नो लेस के साथ दैन का यूज करते हैं. ये क्या था कोरिलेटिव वर्ड्स थे जिसे हम लोगों ने डे 23 में पढ़ा. डे 24 में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन का यूजेस को जाना, जैसे फ्रॉम, बाय और विथ. लड़का स्कूल से अनुपस्थित था, द बॉय वॉज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल. माई अंकल हैज कम फ्रॉम आसाम. और बाय, इस खबर से घबराइए नहीं, डोंट प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज. इन, ऑफ, फॉर, टू, ये सब का यूज हम लोग ने पढ़ा था डे 24 में. डे 25 में हम लोग ने एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए और जो चेंज ऑफ प्रीपोजिशन होता है उसे हम लोग ने जाना. बेसिकली चेंज ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हमें जो पैरा फ्रेजिंग होता है उस वो चेंज करने में बहुत ही काम देता है. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ बिल बोर्ड. दिस इज इट इज द पैराफ्रेजिंग ऐप इन विच यू मे हैव यू कैन कॉपी सम ऑफ द वर्क, मीन समवन्स वर्क, एंड जस्ट यू कैन चेक अबाउट द ओरिजिनलिटी. और एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू मीन्स दैट ऐप यूज टू शो दैट यू हैव कॉपीड सम फ्रॉम समवेयर. सो बिल बोर्ड यूज टू जस्ट पैराफ्रेज द सेंटेंसेस बाई चेंजिंग द वॉइसेस, एक्टिव से पैसिव वॉइस कर देते हैं. और भी यूज करते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, यूज ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स.
On day 26 we have learned about the transformation of sentences, interrogative से हमको explanatory sentences और बनाना है, affirmative से negative sentences बनाना है, ये सब हम लोग जाने, जैसे प्रश्नवाचक, interrogative से assertive, exclamatory से affirmative, you can practice, negative से affirmative बनाना है. तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का. जैसे मैन इज इमोर्टल, मैन इज मोर्टल. ऑन डे 27 वी लर्न अबाउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. और हम लोग ने जाना कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो काउंटेबल नाउन है, और जो द्रव्यवाचक अब्स्ट्रैक्ट एंड भाववाचक, मेटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं, द्रव्यवाचक को मेटेरियल बोलते हैं और भाववाचक को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. इसे अनकाउंटेबल माना जाता है क्योंकि हम लोग जो जो क्वांटिटी है उसे हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, जैसे वाटर, वाटर सम लिक्विड्स एंड ऑल. और भाववाचक जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, हैप्पीनेस, इसे भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. सो दिस ऑल कम्स इन अनकाउंटेबल नाउन. यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑल एंड वी ऑलरेडी हैव प्रैक्टिस इट. उसके बाद हम लोग ने कुछ मिसेलेनियस यूजेस के बारे में जाना, इट और डैट का यूज. सो ऑन डे 29 वी अगेन स्टडीड अबाउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हियर. And that's all for the day 30. Day 30 is basically the drill of day 21 to 29. That's all for this day.